हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी कविता। आज मैं आपके लिए एग बोंडा मीन्स एग पकोड़ा बनाने वाली हूँ, जो खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी है। इसके साथ मैं एक टमाटो चटनी कॉम्बिनेशन आपको बताने वाली हूँ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको एक बाउल में 5 अंडे लेना है। इसमें 1 ग्लास पानी डालकर आपको इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो आपको स्किन निकाल लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह आपको कट कर लेना है। इस तरह आपको सब अंडे कट कर लेना है। अभी हम एक बाउल में 1/2 कप बेसन और 1/2 कप से भी थोड़ा कम बेसन डालना है, और इसमें अभी हम 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया और 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सबको डालकर आपको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आपको अच्छे से बैटर रेडी करना है। और इस तरह बैटर का टेक्सचर रहना चाहिए। अभी हम इस बैटर में एक एक एग डिप करके डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में 2 कप्स तेल डालना है, और जैसे मैं आपको दिखा रही इस तरह आपको एग बैटर में डिप करके डालना है और इसे आपको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक गोल्डन ब्राउन कलर आता है। अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी हम इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। अभी हम चटनी बनाएंगे। इसके लिए आपको 1 टीस्पून ऑयल डालना है और 1 कांदा डालना है, और इसे आपको अच्छे से मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अभी इसमें हम 4 या 5 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आप टिकट कम खाते हैं तो आप थोड़ा सा कम हरी मिर्ची ऐड कीजिए, और इसे अच्छे से आपको मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अभी इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर से आपको पैन में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करना है और इसमें 1 टमाटो आपको कट करके डालना है और इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तरह आपको फ्राई करना है। हम इन सबको मिक्सर जार में डालकर चटनी रेडी करेंगे। इसमें हम 3 या 4 लहसुन डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे इस तरह ग्राइंड करना है। फिर इसके बाद इसमें हम टमाटो ऐड करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह आपको रेडी करना है। इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम चटनी का तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें थोड़ा सा जीरा, राई और 2-3 चना दाल आपको डालना है, और लाल मिर्ची 2 और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अच्छे से आपको लो फ्लेम में फ्राई कर लेना है और हमारा तड़का जो है वो रेडी है, और चटनी में हम इसे ऐड करेंगे। इसे अभी हम अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेना है, और हमारा टमाटो की चटनी जो है वो रेडी हो चुका है। और इसका आप कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। आप इसे इवनिंग स्नैक या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।